नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान का ये पेपर है जो आपको अच्छे से तैयार करना है और अच्छे से आपको कंप्लीट पेपर तैयार करना है। अगर आपको सामाजिक विज्ञान के पेपर में से पूरे नंबर अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 में लाने हैं तो कंप्लीट ये पेपर आपको तैयार करना है। तो सबसे पहले आपको खंड कह दिया गया है जिसमें पहला प्रश्न है उत्तर सहित ये पेपर में आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। पहला प्रश्न है कि 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी। तो इसमें चार ऑप्शन है, उदार तानाशाही, दूसरा है निरंकुश राजतंत्र, तीसरा है सैनिक तानाशाही और चौथा है आपके संवैधानिक राजतंत्र। तो ये आपके उत्तर होगा गह ऑप्शन, ओके। और दूसरा प्रश्न है कि चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाले कर को क्या कहा जाता था। तो इसमें भी आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसमें पहला जो टाइड ऑप्शन दे रखा है वो आपका करेक्ट होगा। और तीसरा प्रश्न है आपके कि चेका क्या था। तो इसमें भी आपके चार ऑप्शन है, सेना की टुकड़ी, विशेष पुलिस दस्ता, पादरी वर्ग और श्रमिक वर्ग। तो इसमें खह ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और प्रश्न संख्या चार है कि विश्व में साम्यवादी शासन की जो स्थापना है वो सर्वप्रथम किस देश में हुई। तो इसमें भी आपके चार ऑप्शन है, रूस में, जर्मनी में, पोलैंड में, और तो इसमें क्या ऑप्शन है वो आपका सही होगा। उसके बाद में पांचवा प्रश्न है, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। तो इसमें गए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और छठा प्रश्न है, भारत की मानक के यामियोत्तर किस स्थान से होकर गुजरती है। तो खै ऑप्शन होगा मिर्जापुर। और सातवां प्रश्न है, भारत के सुदूर पूर्वी राज्य का क्या नाम है। तो अरुणाचल प्रदेश इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा। और आठवां प्रश्न है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर। तो इसमें महेंद्रगिरी आएगा, यानी खै ऑप्शन। और प्रश्न संख्या नौ है कि भारत के भू स्वरूप में विविधता का क्या कारण है। तो इसमें आपको उत्तर बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और प्रश्न संख्या दस है आपके कि भारत के उच्चावच का निर्माण और उसमें जो संशोधन है वो किन कारणों से हुआ है। तो इसमें गए ऑप्शन होगा निक्षेपण के कारण। और प्रश्न संख्या 11 है आपके कि उस सिद्धांत का नाम बताइए जिसके अनुसार पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी है वो मुख्यतः सात बड़े भूखंडों में बंटी है। तो इसमें गए ऑप्शन आपका आएगा प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। और प्रश्न संख्या 12 है आपके कि वह शासन प्रणाली जिसमें शासन की सत्ता एक ही व्यक्ति अथवा दल के हाथों में होती है वो क्या कहलाती है। तो इसमें गए ऑप्शन आपका आएगा। और प्रश्न संख्या 13 है, लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान में किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, इसलिए आपके गए ऑप्शन आएगा ये सभी। और प्रश्न संख्या 14 है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो इसमें गए ऑप्शन आएगा एकात्मक शासन। और नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद हैं, तो 395। इसमें गए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और प्रश्न संख्या 16 है कि भारतीय संविधान, तो इसमें लचीला तथा कठोर दोनों, तो गए ऑप्शन आपका आने वाला है। और प्रश्न संख्या 17 है आपके कि शिशु मृत्यु दर सन 1951 के 147 से घटकर सन 2010 में कितने पर आ गई। तो 47। इसमें गया ऑप्शन आपका आने वाला है। और प्रश्न संख्या 18 है कि मानव पूंजी है उसमें निवेश करने पर बदले में मिलता है। तो इसमें खै ऑप्शन आएगा उच्च आय, ओके। उसके बाद में है प्रश्न संख्या 19 है कि बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गरीबी रेखा के नीचे है। तो 33.74%। तो गया ऑप्शन आएगा। प्रश्न संख्या 20 है कि बिहार में गरीबी की समस्या के निराकरण के लिए आवश्यक है, तो कृषि विकास आवश्यक है, उचित जल प्रबंधन आवश्यक है और पर्याप्त निवेश आवश्यक है। तो तीनों ऑप्शन आपके सही है, तो इसलिए गया ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में खंड खै दे रखा है और इसमें प्रश्न संख्या 1 है कि नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। और अथवा में प्रश्न है, सन 1917 की रूस की क्रांति के दो राजनीतिक कारण बताइए। और दूसरा प्रश्न है, लोकतंत्र की सफलता के लिए चार आवश्यक शर्तें बताइए। और अथवा में प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना के मुख्य लक्षणों अथवा विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तीसरा प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन भूभाग कौन सा है। और अथवा में डेल्टा और ज्वारंदमुख में अंतर बताइए। और चौथा प्रश्न है, मानव पूंजी निर्माण कैसे कहते हैं। और अथवा है कि क्या आप समझते हैं कि निर्धनता आकलन का वर्तमान तरीका सही है।
तो ये आपको बताना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है कि फ्रांस की क्रांति के परिणाम है उन पर प्रकाश डालिए। और अथवा में प्रश्न आप देख सकते हैं कि 1917 की जो क्रांति है उसका रूस पर क्या प्रभाव पड़ा। और प्रश्न संख्या 6 है कि लोकतंत्र का अर्थ और परिभाषा लिखनी है। और अथवा में प्रश्न है कि संविधान सभा से आप क्या समझते हैं, संविधान सभा के संगठन पर प्रकाश डालिए। और ये 7वां प्रश्न है और ये आपके 8वां प्रश्न है, अच्छे से आप देख सकते हैं। अथवा में भी क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। और 9वां प्रश्न है मानचित्र संबंधी प्रश्न, जिसमें पहला है कि प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख देशों के मानचित्र पर आपको अंकित करना है। जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, फ्रांस है और रूस है। और दूसरा प्रश्न है भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित नदियां और जिलों को चिन्हित कीजिए, जिसमें नर्मदा है, ताप्ती है, गोदावरी है, वुल्लर और सांबर है। तो कंप्लीट ये पेपर SST का कक्षा 9 का अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का ये पेपर मैंने आपको बता दिया है। तो अच्छे से आपको ये तैयार करना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, ताकि कक्षा 9 से संबंधित कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।